नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और अभी हम पहुंचे हैं 4-5 के चौक पर। आपको बता दें कल देर रात एक घटना घटी जहां एक कमरे में, बंद कमरे में युवक की डेड बॉडी मिलती है और आपको बताएंगे, पूरी जानकारी देंगे कि आखिर कैसे क्या हुआ था। जी आ जाओ, तो ये देख रहे हैं सामने ही शौचालय है, ये सार्वजनिक शौचालय है जी, है ये सार्वजनिक शौचालय है और कल देर रात इसी शौचालय में काम करने वाले युवक के शौचालय के पास डेड बॉडी मिली कमरे के अंदर। बताएंगे, जानेंगे पूरा मामला आखिर क्या हुआ था, किसने मारा या कैसे उसकी मौत हुई। ये देख रहे हैं अभी फिलहाल ये बंद है, ये बंद करके पुलिस वाले हैं। अभी खुला हुआ था, पुलिस वाले अच्छा बंद करवा दिया। ये शटर है, ये बंद है ये शौचालय, और ये इसके ऊपर जाने के लिए रास्ता है, इस शटर में सीढ़ियां इसमें, और ये कमरा है जिस कमरे में वो अपने बच्चों के साथ रहता था। ये देख रहे हैं इसमें ताला लगा हुआ है और इसी कमरे के अंदर उसकी डेड बॉडी मिली है, ये ताला लगा हुआ है। एक बार जानने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ क्या नाम था? विजय। आपका नाम? रमेश। रमेश जी हमारे साथ, रमेश जी क्या नाम था इनका? क्या नाम? विजय। विजय कितनी उम्र होगी आपको? 40। 40 साल। कितने बच्चे थे जी? 3। 3 बच्चे थे, क्या क्या थे? हाँ, तीनों लड़कियाँ थी, नाम तो मैं थोड़ा भूल गया सर। अच्छा, अच्छा। ठीक है, और कौन रहता था? बस 3 बच्चे और इसकी बीबी और एक वो उसका भाई है, वो ऊपर सोता है। अच्छा, वो ऊपर सोता है, दिन में काम वाम करते रहते हैं? हाँ, वो दिन में चला, वो भी शादीशुदा है? हाँ, वो भी शादीशुदा है। क्या नाम उसका? नाम तो सर मैं भूल जाता हूँ। अच्छा, तो वो यहीं रह रहा था मतलब? हाँ, यहीं रहता है, ऊपर रहता है। कल भी वो यहीं था? हाँ, तो उसे पता नहीं लगा कि कैसे हुआ है, क्या? तो भौजी वो ऊपर सो रहे ना, उसको क्या मालूम पड़ेगा। तो ऐसा क्या हुआ था भौजी, क्या हुआ है? ये सर, ये बात ये है, ये अभी 5-6 दिन की बात है, ये काम पे गया हुआ था, जो विजय काम पे गया था तो इसका काम में बैंड का वो छतरी वतरी पकड़ के खड़ा रहता है, वो चला गया, उसको काम मिला नहीं, तो इसने देखा कि अब आएगा 12-11 बजे 2 बजे 2:30 बजे आएगा वो, तो इसने उसको फ़ोन करके बुला दिया, मुसलमान को, मुसलमान नाम है उसका, मैं तो देखा नहीं, मैंने नाम नहीं पता, नहीं, उसको बुला दिया, वो अंदर घुस गया, अंदर घुसा, उसको काम मिला नहीं, वो 9 बजे आ गया घर पे, 9, 9:30, 10 बजे मतलब करीब वो पहुंच गया, तो उसने देखा घर में लाइट बंद है, तो इसने बोला, खड़काया उसको, दरवाज़ा खड़काने के बाद वो बाहर आई, बाहर आने के बाद उसको अंदर घुसने नहीं दिया, क्योंकि वो बंदा मौजूद था अंदर, तो बेड के नीचे घुस गया, तो उसको अंदर घुसने नहीं दे रही है, उसको घुसने नहीं दे रही है, वो बात मेरे को सुनाई उसने, मैंने तो नहीं देखे, विजय ने। अच्छा, उसने सुनाई है कि मतलब 5-6 दिन पहले की बात है। हाँ, जब से वो बाहर निकला उसको धक्का मार के इधर साइड पे कर दिया, वो भाग गया, उसमें मेरा लड़का और 2-3 हमारे पड़ोसी वो भगे उसके पीछे पकड़ने के लिए, लेकिन हाथ आया नहीं, वो भाग चुका वो, क्योंकि हमने आवाज़ मारी को चक्कू पक्कू हो कुछ भी हो मार मोड़ दे, तो मैंने आवाज़ मारी मेरे लड़के को, मैं तो आज हजार जान दे उसको, वो चला गया। जाने के बाद इनका ड्रामा चालू हो गया, ये बार बार बोलता है मुसलमान से चुदवा रही है, मुसलमान के वो करिए कि मैं मर्द नहीं हूँ। उसके बाद उसने बोला 6,000 रुपये दे, डिश तोड़ दी इसने, उसका जो डिश लगा हुआ ना अंदर, और डिश नहीं, शटर बॉक्स, वो तोड़ दिया, वो कह रहा 6,000 रुपये दे या 7,000 रुपये दे, मैं डिश ले आऊं, तेरे अकाउंट में पैसे मैंने डलवा रखे 1.5 लाख रुपये, उसमें से मेरे को पैसे दे, मैं डिश लगवाऊंगा, वो कह रही मैं नहीं लगवाऊंगी, मेरे को लगवाना नहीं, मैं लगवा दूंगी, तो फोन तोड़ रहा है, डिश तोड़ रहा है,
सारा तोड़ देगा फिर दोबारा, और फिर भी चलो मैं समझाता हूँ उसको। मैं तो छोड़, छोटी मोटी बात हो गई तो ख़त्म कर इसको। कह रहा रमेश मेरे को बर्दाश्त नहीं होती है कि जब मेरी नज़र से मैंने देख लिया, सही बात है। कोई जब मेरी नज़र से देख लिया मैंने, मैं कैसे बर्दाश्त करूँ? मैं बर्दाश्त नहीं हो रही है मेरे से, नहीं तो मैं जाके रेल से कट जाऊँ, मैं उधर मर जाऊँ, क्या करूँ? मैं छोड़, जो हो गया हो गया, जो अब तुम्हारा संबंध रहा वापसी कर दो, कर दो। किसमें नहीं होती, छोटी मोटी बात हो जाती है, चल ख़त्म करो बात को। लेकिन ये पड़ा इसके कागज़ के पीछे, इसके अकाउंट में 25 लाख रुपए है, 25 लाख किसके? इनके अकाउंट में, लड़कियों के और इनके। और 1.5 लाख रुपए है इसकी घरवाली के नाम पे, 1.5 लाख। और अभी परसों आने वाले थे 60 लाख इसके, परसों 60 लाख आने वाले थे शौचालय के, पिछले रुक गए थे। अब ये पूरी सैलरी आ जाती इसकी, सैलरी आ जाती, सैलरी मिलती थी ऐसे? अब बोल जी मेरे को ये तो इतना पता नहीं है। फिर भी एक आइडिया होगा जब आपको मान लो दोस्त है सब कुछ बताया। अभी इतना तो मेरे को बताते तो नहीं है, वही आती होगी ज्यादा नहीं, 15 तो आती ही होगी मेरे अंदाजे से। क्योंकि इतने पैसे जो आप बता रहे हो कि 25 लाख 60 लाख, तो फिर ये पैसे कैसे आए, ये कहाँ से आए? ये कमाता है, ये क्या क्या काम करता है? ये कोरोना है, इधर पीछे कोरोना है, उसमें से फ्रिज और टीवी, वॉशिंग मशीन, मशीन वो सारी गाली खाली करता है। वो क्रोमा जो पीछे है, वो गाड़ी खाली करता है, उसमें पैसे मिलते उसको 200-250-300 यहाँ कमा लेता है शौचालय पे बैठ के, तनख्वाह उसकी अलग है। दूसरा काम शादी का है, 550 वहाँ मिलते उसको, ये सैलरी उसकी। और ये क्या करते जी इसके घर वाले? ये कुछ नहीं करती है, वो देती है मुसलमानों को, आता है मुसलमान। चले इधर, तीन बच्चे थे, हाँ तीन लड़कियाँ, तीन तो वो भी उस समय यहीं थे। हाँ थे, उस दिन लड़ाई हुई ना उस टाइम थे, लेकिन ये हादसा हुआ ना, हादसा हुआ, एक छोटी वाली बीच वाली लड़की ना वो थी, उस पर हाथ लगा ना, उस पर हाथ लगा, उसने ये बोला, ये बताया उसने कि वही अंकल है जो पीछे हमारे काम करते है, पीछे काम करते वही अंकल है, और मैं इसकी शिकल पहचानती हूँ, लड़की ने बीच वाली ने, कि मैं पहचानती हूँ, वो ही आया, वो आके उसने तकिया लगा रखा था मेरे सिर पे, हाथ लगा ना मेरे पापा का, तो मैं उठ गई, उठ के मैंने देखा तो वो तकिया लगा के बैठा था उस पर। अच्छा। ये बात सुनी है सर मैंने, कल जो रात हुआ, कल मतलब कल रात को ये घर पे ही था, और वो लड़की बता रही है कि वो जो अंकल थे जो रोज आते थे, जो वैसे आते थे, तो वो आए हैं, उन्होंने तकिया उसके मुंह पे, विजय के मुंह पे लगाया, बताए। अच्छा। लगा के ऊपर बैठ गया उसके, मारने के उसी ने मारा है, समझ लो उसी ने। तो ये मर्डर है मतलब? हाँ मर्डर है भाऊ जी इनका, ये पीछे है ना, ये क्या नाम है, ये पीछे शोरूम है पिज्जा का, उसमें वो काम करता था, उसने खुद आके बोला है, कह रहे ये 3-4 महीने से तो इनका लफड़ा चल रहा है। तो यहाँ पर सीसीटीवी नहीं लग रहे, कहीं कैमरे वैमरे नहीं लग रहे? नहीं, ये वही नहीं, शौचालय तो है पर फिर भी कैमरे तो लगे, कैमरा कहाँ लगता है यहाँ, इतना छोटा शौचालय में कहाँ कैमरा लगेगा। अच्छा, तो अब सुबह कैसे पता लगी फिर, रात को हो गया ये काम? क्योंकि बाहर भी जो सामने लोग हैं वो भी बता रहे हैं कि हमने 12 बजे तक 1 बजे तक देखा। मैं बताता हूँ, सुबह 5 बजे के बाद मैं 4 बजे उठा था। आप कहाँ रहते? मैं सामने रहता हूँ। अच्छा। वैसे तो मेरा दोस्त है ये भी, मेरे कोरोना आता है दोस्त है, मैं 4 बजे उठा देता हूँ इसको, आवाज़ मारता हूँ विजय, ये उठ जाता है, एक दो आवाज में उठ जाता है। मैंने आवाज़ मारी विजय विजय विजय, नहीं उठा,
मैं फिर चला गया घर पे। सो रहा होगा, हम आग जलाते यहाँ पे, ये बाहरी हम नारियल वाले इकट्ठे करके ऊपर रखे हुए बहुत सारे। हम सुबह 4 बजे आग जला के बैठे रहते, मैंने घर के आगे आग जलाई, वहाँ बैठा रहा, मेरी नज़र इधर ही थी, अब उठेगा, लेकिन वो नहीं उठा। उसकी घरवाली उठी, शटर खोला, मैं सामने ही बैठा बाहर, मैं तो विजय उठ गया। मैं यार विजय तो नहीं है, विजय की घरवाली उठ गई, मैं तो अब बाद में उठ जाएगा शायद, ये बाद में उठ जाएगा। उसमें एक दो और भी है मेरे साथ में, वो भी देख रहे थे, तो मैं आग जला के बैठा रहा, आंसू आ रहे मेरे को। एक महेंद्र आ गया, वो भी हमारा दोस्त है, वो भी हमारे साथ रहता है, वो आ गया, वो मेरे को कह रहा रमेश यार उठ क्यों नहीं रही है। मैंने बोला भाई मैंने आवाज़ मारी है, पता नहीं उठ रहा है। मैं चल अब उठ जाएगा, शायद नशा हो गया होगा, बाद में उठ जाएगा। चलो बुआ के घर से चाय पी लेते, हम वहाँ चाय पीने गए, उसमें उसकी घरवाली आ गई, आके बोलिए महेंद्र के विजय का है ना शरीर ठंडा पड़ा है बिल्कुल। मैं देखे घबरा गया, बिल्कुल ठंडा पड़ा है, ऐसे कैसे हो सकता है। कह रहे बिल्कुल ठंडा पड़ा है, मैं भग के पहले मैं आया, मैंने आके देखा उसकी गर्दन ऐसे करी तो उसकी गर्दन बिल्कुल टैट, गर्दन ऐसे भी नहीं हो रही है, ऐसे भी नहीं हो रही। मैं उतने में समझ गया, उसके पैर पकड़े और पैर उसके ऐसे लकड़ी की तरह, पैर भी नहीं मुड़ रहे। मैं समझ गया, मैं गया ये तो। मैंने फिर भी सीने पे कान लगाया, धड़क भी बंद। उसके भाई को मैंने बोला, मैं तो भाई बलवीर गया ये गया। कह रहा नहीं नहीं नहीं, वो बलवीर उसको थप्पड़ मार रहा है, भट 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 थप्पड़ मार रहा है, के होश होगा तो उड़ जाएगा। अब तो वो गया हुआ तो कैसे उड़ जाएगा, वो ख़त्म हो चुका है। मैं बलवीर को समझा रहा, इशारा कर रहा हूँ, मैं ख़त्म हो चुका है ये गया ये। बलवीर कह रहा नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। अरे मैं जो बलवीर समझ, जब मैंने देख लिया ख़त्म हो चुका है ये, हो गया ख़त्म। उसके बाद मैं घर पे गया, उसकी बीबी आके फिर यहाँ रोने लग गई, मर गया। ये तो बाद में पता, रिपोर्ट में पता लग जाएगा। उसके बाद अपने उसमें से बॉडी निकाल के ऑटो में डाली, हम हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में हमने दिखाया, हॉस्पिटल ने बोला कि तुम पोस्टमार्टम कराओगे नहीं कराओगे। तो उसका भाई कह रहा रमेश क्या करूं, मैं करवा, बिल्कुल पता तो लगेगा, पता तो लगेगा अपने आप मारा है या मारा है, कैसे मारा है कैसे नहीं मारा है। वो डॉक्टर भी इसके गले की तरफ देख रहा है कि फांसी तो नहीं लगाई, नहीं भाई बंदे कि फांसी तो नहीं लगाई। मैं तो बाबू जी फांसी लगाने का मतलब ही नहीं है, इतनी तो चदर नीचे है, आप देख लो। और ये देख सकते हैं, लगा सकते हैं, ये देखें, यही वो कमरा है जहां कल रात विजय की डेड बॉडी मिली। और आप देख रहे हैं इसमें कहीं, ये देखें छोटा सा ही कमरा है और कहीं भी इसमें ऐसा कोई जगह नहीं है जिससे फांसी लगा सके आदमी, क्योंकि इतनी जगह नहीं है। ये अंदर एक बेड पड़ा है, बस बक्सा है और कपड़े लेते पड़े हैं, लेकिन इसमें ऐसी जो जगह नहीं है जिससे वो फांसी लगा सके। पर ये आपको कैसे पता लगा कि वो कह रहे थे कि कोई आ रखा था उसमें उसके लड़की ने बोला है, बीच वाली ने, उसका नाम है प्रियंका, उसने बोला। हाँ बोलिए, इतना तो हम रहते नहीं हैं। तो फरीदाबाद आप समझ रहे हैं कि किस तरह से, जैसा कि बता रहे हैं पूरी घटना आपको बताई इन्होंने, इनके मित्र थे ये भी, यहीं सामने रहते हैं, बिल्कुल ठीक सामने शौचालय के सामने। आप देखेंगे, ये देखें आपको नजर आएंगे सामने, और ये बिल्कुल यहीं ठीक सामने वाला घर है।
यहीं ठीक सामने रहते हैं और रोज़ सुबह विजय को उठाते थे, लेकिन जब आज भी सुबह विजय को उठाया तो विजय जब नहीं उठा तो ये वापस अपने घर चले गए, आग जलाई। उसके बाद जब विजय की घरवाली उठी, शटर खोला, तो इन्होंने सोचा कि शायद अब उठ जाएंगे। जब यहाँ आए, विजय की घरवाली गई इनके पास कि विजय का शरीर ठंडा पड़ गया है, पता नहीं क्या हो गया। जब ये लोग आए यहाँ देखा तो विजय मर चुका था। उसे उठाकर यहाँ से अस्पताल ले गए, अस्पताल में उसको मृत घोषित कर दिया गया। अभी बॉडी का पोस्टमार्टम हो रहा है। पुलिस को सूचना दे दी थी और जैसा कि बता रहे थे कि विजय की लड़की ने बताया कि कोई व्यक्ति घर में आया था और उसने तकिए से उसका मुंह दबाकर उसकी हत्या की है। अब ये जांच का विषय है, हालांकि कोई सीसीटीवी भी यहाँ नहीं लग रहा शायद, लेकिन पुलिस इसमें जांच पड़ताल करेगी और पता लगाएगी कि आखिर विजय की मौत कैसे हुई, किसने मारा, क्यों मारा। लेकिन जो ये बता रहे थे कि विजय की जो पत्नी थी उसके कहीं अवैध संबंध थे किसी के साथ, जब विजय एक दिन काम पर गया तो उसे काम नहीं मिला और वो वापस जल्दी घर आ गया तो उसने रंगे हाथों पकड़ लिया उन दोनों को, अपनी पत्नी को और दूसरा जो व्यक्ति था उसको। उस समय वो भाग गया और उसने ये सारी घटना अपने दोस्त रमेश को बताई और कल रात विजय की हत्या हो गई, मर्डर हो गया। पुलिस अभी इसमें छानबीन कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है। हमने आपको दिखाई खबर, पूरी घटना सुनाई कि आखिर क्या हुआ था, कैसे हुआ। अब देखते हैं इसमें क्या कार्रवाई होती है, वो भी आपको बताएंगे। जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।